सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेडिटीजी। मैं आपके दोस्त आशीष, और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यार क्लासिकल सेमिनोमा के बारे में। तो ये भी हमारी एक पैथोलॉजी प्रैक्टिकल की स्लाइड है जो हमको मिल सकती है हमारे प्रैक्टिकल में। तो आज हम उसी के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और आपको आपने अगर हमारी पूरी सीरीज़ को देखा है तो आपको पता होगा इस वीडियो का फॉर्मेट क्या होने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि स्लाइड दिखती कैसी है, देन हम लोग स्लाइड या फिर सीरीज के बारे में थोड़ा जानेंगे अगर आपको स्लाइड आ जाती है, और वाइवा वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछे आते हैं तो आप इजीली उसको ट्रैकल कर पाओगे। और देन उसके हिस्टोलॉजिकल फीचर के बारे में हम लोग जानेंगे, और इन द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपको स्लाइड आ जाती है तो आपको उसको डायग्राम बनाना कैसे है उसका। ठीक है, हमको पता भी होता है बहुत सारी चीज़ें कि ये डायग्राम का मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हमको कभी कभार स्लाइड बनाने में दिक्कत होती है। तो देखो यार, जो हमारी क्लासिकल सेमिनोमा की स्लाइड दिखती है वो कुछ ऐसी दिखती है। सबसे पहले आप ये देखो कि आप पहचानोगे कैसे कि ये कौन से ऑर्गन की स्लाइड है। तो देखो, लोब्यूल्स में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, किसकी हिस्टोलॉजी हमको लोब्यूल्स में दिखती है। पहला हमारा हो गया लिवर, लिवर लोब्यूल्स में होता है। देन हमारा टेस्टिस, वो लोब्यूल्स में होता है। तो देखो, लिवर ही हो नहीं सकता क्योंकि इसमें हमको पोटल ट्रायड नहीं दिख रहा है। देन हमारा क्या बचता है कि हमारा टेस्टिस है। तो एक तो हमको समझ आ कि ये टेस्टिस है। अब ये नॉर्मल टेस्टिस है या फिर अब नॉर्मल है। देखो, नॉर्मल टेस्टिस का आपने डायग्राम देखा होगा। सबसे पहले ये उसके लोब्यूल्स रहते हैं, यहाँ पर एक लेयर ऑफ सेल्स रहती है, देन यहाँ पर हमारे स्पर्मेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल टेस्टिस की स्लाइड होती है। लेकिन इसमें देखो, इसमें सबसे पहले तो आपको अंदर के साइड पे छोटे छोटे स्पर्मेटोसाइट्स नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब इसमें कुछ तो पैथोलॉजी दिख रही है आपको। और जो हमारे फाइब्रस सेप्टर्स हैं वो काफ़ी थिक हो चुके हैं, थिक फाइब्रस सेप्टर्स दिख रहे हैं अपने को। इसका मतलब कुछ तो पैथोलॉजी है इसमें। तो देखो, सेमिनोमा आप लोग पहचानो कैसे कि ये सेमिनोमा है। देखो, सेमिनोमा में ना सबसे पहले तो बहुत बड़े सेल्स दिखते हैं अपने को, पॉलीगोनल सेल्स दिखते हैं अपने को, बहुत बड़े बड़े। देखो, जैसे एक बड़ा सेल्स दिख रहा है, नॉर्मल सेल से काफ़ी बड़े होते हैं ये। आपने देखा, जूम करके देखो, ये काफ़ी बड़ा सेल है, ये भी काफ़ी बड़ा सेल है। और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखता है अपने को, और प्रोमिनेंट सेंटर न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई भी दिखता है। पेल साइटोप्लाज्म, मतलब एकदम क्लियर सेल होता है, ठीक है ना, एकदम क्लियर सेल दिखेगा अपने को क्योंकि उसका जो साइटोप्लाज्म होता है एकदम पेल होता है। और एकदम डिस्टिंक्ट बॉर्डर होगा, मतलब सिंसिशियम दिखेगा आपको, एकदम डिस्टिंक्ट एक एक सेल दिखेगी। और सबसे मेन चीज़ कि इसमें लिम्फोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन दिखता है अपने को, और अपने को देखने के लिए मिलता है फाइब्रस सेप्टास। तो स्लाइड आपको देखने को के लिए मिलती है कुछ ऐसी। सबसे पहले ये देखो, आपको फाइब्रस सेप्टास के बीच में देखो, यहाँ पे देख रहे हैं लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स का एग्रीगेशन दिख रहा है। और काफ़ी बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं जो कि काफ़ी हाइपरक्रोमेटिक है। देन हम लोग यार उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो, तो सेमिनोमा जो है ना वो मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर है, ठीक है ना। सेमिनोमा की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपने को से दो पढ़ने हैं मेनली, क्लासिकल और स्पर्मेटोसाइटिक। तो ये क्लासिकल सेमिनोमा की स्लाइड है। तो सेमिनोमा जो होता है ना, मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर होता है। अप्रोक्सीमेटली 50% जर्म सेल्स ट्यूमर जो होते हैं ना वो सेमिनोमा होते हैं। इनका जो पीक इंसिडेंस होता है वो होता है 3 to 4 decades, मतलब 30 से 40 साल की उम्र के मेल्स को ही हो सकता है, और इन्फेंट्स में बहुत रेयर होता है, मतलब बचपन की डिजीज बिल्कुल नहीं है ये। और ये आइडेंटिकल होमोलोगस टू डिसजर्मिनोमा इन ओवरीज। एक बार एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आया था, मैंने देखा था जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे तो डिसजर्मिनोमा के ऊपर एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आया था, तो इसको देख लीजिएगा। और ये एसोसिएटेड होता है ITGCN के साथ। किसके साथ एसोसिएटेड होता है? ITGC। तो फुल फॉर्म क्या होगी मेरे ITGCN की? इंट्रा ट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लाज्म, इंट्रा ट्यूबुलर जर्म सेल न्योप्लाज्म, इसी के साथ एसोसिएटेड रहता है। और कौन कौन से इसका पैथोजेनेसिस? देखो, पैथोजेनेसिस पूरा जेनेटिक है। तो जिसकी पैथोजेनेसिस होती है ना, पैथोजेनेसिस में अपने को देखने मिलता है आइसोक्रोमोजोम 12p। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जो 12th क्रोमोजोम का, अगर ये अपना क्रोमोजोम मान ले और ये अपनी पी आर्म हो गई, ठीक है ना, 12th क्रोमोजोम की पी आर्म। तो जब इसका रीडुप्लीकेशन हो जाता है, देखो जब ये एक और हो गई,
तो इसको हम लोग बोल देंगे आइसोक्रोमोसोम 12th पी आर्म, पी मतलब शॉर्ट आर्म। तो रीडुप्लीकेशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ 12th क्रोमोसोम हो जाता है। और दूसरा एक जो जीन होता है वो होता है OTC3/4 NANO जीन। इनके साथ एसोसिएटेड रहता है हमारा पैथोजेनेसिस क्लासिकल सेमिनोमा का। यार आपको याद तो रहने वाला नहीं है फिर भी, लेकिन एक बार थ्योरी के लिए मैंने आपको बता दिया, ये मोस्ट कॉमन है आइसोक्रोमोसोम 12P। ठीक है, तो लेट मी इरेज इट ऑल। देन यार लेट्स कम टू इट्स मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी ग्रॉसली में आपने को देखता है बल्कि, देखो जो मेल टेस्टिस होता है वो 10 टाइम्स तक बल्कि हो जाता है। नॉर्मली इतने से होते हैं लेकिन वो 10 टाइम तक बल्कि हो जाते हैं। होमोजीनियस ट्यूमर है, रेयरली इन्वेड्स ट्यूनिका, मतलब ये अंदर ही अंदर होता है, बाहर की जो अपनी कवरिंग होती है ना, ट्यूनिका एल्बोजीनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, इन सबको ये इन्वेड नहीं करता है। डिवाइड ऑफ हिमोरेजेस, तो अपने को जब अपने इसको काटेंगे तो इसमें अपने को हिमोरेजेस और नेक्रोसिस देखने के लिए नहीं मिलता है, और एकदम सर्कमसाइज मास क्यों अलग सा समझ में आता है, मतलब डिफ्यूज नहीं होता, एकदम सर्कमसाइज होता है। देन लेट्स कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि है हिस्टोलॉजी ऑफ क्लासिकल सेमिनोमा। तो हिस्टोलॉजी ऑफ क्लासिकल सेमिनोमा में हमारे पास जो सेल्स होते हैं, जो हमारे सेल्स रहेंगे, शीट ऑफ यूनिफॉर्म सेल्स, पुअरली डिमार्केटेड लॉब्यूल्स बाय फाइब्रस सेप्टास एंड लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन। देखो तो ये हमारे जो लोब्यूल्स हैं वो पुअरली, एक तो देखो जैसे ये हमारा फाइब्रस सेप्टा दिख रहा है, यहाँ तक आ रहा है लेकिन ये यहाँ से गुम हो गया, ठीक है ना, जैसे यहाँ से ये यहाँ तक गया लेकिन यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो पुअरली डिमार्केटेड सेप्टाज हो गए। और इसमें देखो लिम्फोसाइटिक के लिम्फोसाइट के इन्फिल्ट्रेशन ऐसे ही समझ में आ रहे, देखो जैसे ये लिम्फोसाइट के इन्फिल्ट्रेशन हो गए, तो इसमें अपने को लिम्फोसाइट के इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलते हैं। दूसरा लार्ज सेल्स होते हैं इसमें, और क्लियर साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्लियर साइटोप्लाज्म और लार्ज सेल्स, जैसे ये देखो इतने अप्रोक्सीमेटली डबल साइज होते हैं नॉर्मल सेल्स से, जो नॉर्मल सेल से डबल साइज होता है इनका, नॉर्मल नॉर्मल जर्म सेल से। देखो ये इतने बड़े सेल्स हो गए, अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस द साइज ऑफ नॉर्मल जर्म सेल, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। देखो न्यूक्लियाई अपने को देखने के मिल जाती है, जैसे ये न्यूक्लिया देखने के लिए मिल गई, ये देखने के लिए मिल गई। देन यार ये इसमें ना ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, तो ये पैरिडिक एसिड शेफ पॉजिटिव होते हैं, पास पॉजिटिव होंगे, ये डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है फ्रॉम स्पर्मेटोसाइटिक सेमिनोमा। वो पास नेगेटिव होता है, 10% शो एनाप्लेजिया, जो भी सेल एनाप्लेजिया शो करता है, एनाप्लेजिया का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, सबसे पहले हाइपरक्रोमेटिक होगा, हाइपरक्रोमेटिक, उसके बाद लियोमॉर्फिक, लियोमॉर्फिक के बाद और क्या क्या होता है उसका, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और बहुत ज़्यादा अजीब बिहेवियर शो करता है, अनडिफ्रेंशिएटेड, अनडिफ्रेंशिएशन। और इसमें जो म्यूटेशन होती है वो किट KIT OTC4 PLAP पॉजिटिव, ये सब म्यूटेशन होते हैं इसमें। 15% कंटेन सिंसेशियो ट्रोपोप्लास्ट, जो 15% ऑफ क्लासिकल सेमिनोमा के केस होते हैं उसमें सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि SCG प्रोड्यूस करते हैं। तो यार जब किसी को क्लासिकल सेमिनोमा अगर हो जाता है तो इंक्रीज्ड HCG एक डायग्नोस्टिक फीचर हो सकता है, और इसमें पुअरली विजिबल ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, तो लिम्फोसाइट अपने को देखने को मिले पुअरली विजिबल होते हैं, लेकिन वो बेटर प्रोग्नोसिस अदर देन, और इसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि काफ़ी कॉमन ट्यूमर है, इसका प्रोग्नोसिस अगर बुरा होगा तो मेल पॉपुलेशन बचेगी नहीं, इसे प्रोग्नोसिस अच्छा होता है इसका कंपेयर टू अदर जर्म सेल्स ट्यूमर, जिसी टीमर जर्म सेल ट्यूमर हाईली रेडियो सेंसिटिव होता है, मतलब जिसको अपन क्योर करते हैं तो रेडियोग्राफी से ट्रीट करते हैं अपन। तो फिर से मैंने एक फोटो लगा दी थी कि अपने को स्लाइड कुछ ऐसी दिखने वाली है। देन अब हम लोग देखते हैं कि आपको ये स्लाइड बनानी कैसे है। तो स्लाइड बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है यार, नॉर्मल जैसे आपने डब्बा खींचा उसमें देखो ये पुअरली फॉर्म सेप्टास बना देने, आपको इनकम्प्लीट सेप्टास बनाना, ठीक है ना, ये इनकम्प्लीट सेप्टास हो गए, और बड़े बड़े सेल्स, क्लियर सेल्स बड़े बड़े, और उसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई, ठीक है, और ऐसे सेल्स बना देने हैं। तो
राउंड ट्यूमर सेल्स के लोब्यूल्स बना देने, लोब्यूल्स जो कि एकदम पुअरली डिमार्केटेड सेप्टास से अलग अलग है। राउंड टू पॉलीगोनल सेल्स विथ लार्ज न्यूक्लियाई और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, तो एक ऐसा सेल बनाना पूरा सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस और इसके अंदर न्यूक्लियाई, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे सेल्स बना देना। और फाइब्रा सेप्टास और थोड़े बहुत लिम्फोसाइट, जैसे ये लिम्फोसाइट बना दिए और ये लिम्फोसाइट बना दिए, डार्क 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 अपने ब्लू कलर के लिम्फोसाइट बना देना। तो ये हमारी बन गई क्लासिकल सेमिनोमा की स्लाइड। और होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले गुड बाय।